ऐसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशोलॉजी विथ संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ तो तो इस चैनल में अभी हम लोग यू पी के सिलेबस को यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज इसे कवर करने का कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ टू थाउजेंड्स क्वेश्चन का हमारा सीरीज़ भी चल रहा है जिसके अंतर्गत आज क्लास नाइन है तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें तथा तो तो अपने दोस्तों के बीच इसे सब्सक्राइब करने को बोलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन पूछा जा रहा है कि वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया आपके चार ऑप्शन हैं टी के ओमेन मार्सल मैकलूहान टी न्यूकाम या योगेंद्र सिंह तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो हो जाएगा मार्सल मैक्लूहान जी के द्वारा वर्ष 1960 में उन्होंने ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा में किया था और वहाँ पे उन्होंने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था यानी कि जैसे कि आपका टीवी हो गया इंटरनेट हो गया फैक्स हो गया टेलीविजन हो गया टेलीफोन हो गया इन सभी के बारे में उन्होंने एक सूत्र बताया था और वो उन्होंने बताया था कि कि ये सभी क्या हम लोग एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं और यही जो सूत्र हमें बांधे हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है वैश्विक ग्राम कहा जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी टू पूछा जा रहा है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी आपके ऑप्शन है क्लाउड लेविस्ट्रॉस हर्बर्ट हाइमन कॉमर्ट या फिर किंग्सले डेविस तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो हो जाएगा हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा इसके बारे में बात की गई थी संदर्भ समूह के बारे में तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है यह हाइमन ने वर्ष नाइनटीन फोर्टी टू में उन्होंने विकसित किया था और उन्होंने इसमें बताया था कि यह एक ऐसा समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन उसका सदस्य बनने की वो आशा आशा करता है वो आकांक्षा करता है कि हम खास उसका वैसा सदस्य होता है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट होता है तो वो जब स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है तो अपने जो टीचर ग्रुप को देखता है अपने प्रोफेसर ग्रुप को देखता है उनके लाइफ स्टाइल को देखता है तो वो सोचता है काश मैं भी एक दिन ऐसा बनूँ टीचर बनूँ या प्रोफेसर बनूँ तो उसे ही क्या कहा जाएगा संदर्भ समूह कहा जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 123 पूछा जा रहा है कि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था मेलिनो वर्स्की जी के द्वारा किया गया था उन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर पूछा जा रहा है कि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा दी गई है आपके चार ऑप्शन हैं सेल्टिज जहोदा एवं अन्य एस सी दुबे यगविंद सिंह या टी डी पोकोक तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्टिज एवं जोहदा एवं इनके द्वारा ये जो पुस्तक है इसकी रचना उन्होंने 1955 में की थी हमारा क्वेश्चन नंबर 125 पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है तो सामाजिक स्तरीकरण की जो बात आ जाती है तो इनको कौन देखे डेविस तथा मूरे जी इसके बारे में बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 126 पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा डब्ल्यू जी कार्सन जी के द्वारा मैक्स बेवर जी के द्वारा या फिर रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये जो पुस्तक है ये रेडक्लिफ़ ब्राउन जी के द्वारा नाइनटीन फिफ्टी टू में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन पूछा जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है क्यों नहीं पाई जाती कहाँ की बात की जा रही है तो दक्षिण भारत की पाई जा रही है भिन्नता नहीं पाए जाने का कारण क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि चचेरे मेरे भाई बहनों के में विवाह का जो प्रचलन होता है कि मध्य जो विवाह का प्रचलन होता है जिसके कारण वहाँ पे जो रिलेशंस है उसमें कोई निश्चित भिन्नता हमें देखने को नहीं मिलती है हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी एट पूछा जा रहा है कि लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्च स्तर उच्चतर स्तर पर पहुंचना निम्न में से क्या कहलाता है अनुलम गतिशीलता 36 गतिशीलता अधोमुखी गतिशीलता या उन्नतिशीलता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उन्नतिशीलता जिसमें कि लोग क्या होते हैं या फिर समूह क्या करते हैं उनकी जो गतिविधि होती है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाती है हमारा क्वेश्चन नंबर 129 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी आपका जो ऑप्शन है लम्ब्रोशो दुर्खिम जॉन डोनाल्ड या आर्गवन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आर्गवन जी के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था कहाँ प्रयोग किया था तो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में जो कि 1922 में उसकी रचना की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए और इसमें इन्होंने क्या बताया था कि संस्कृति को उन्होंने दो पक्ष बताए थे एक भौतिक संस्कृति बताए थे एक अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के मतलब हो गया जिसमें जो मानव निर्मित जो वस्तुएं हो जाती है जैसे मकान हो गया मोटर कार हो गया पंखा हो गया बस हो गया टेलीफोन हो गया ये सब चीज़ें आ जाएंगी और अभौतिक वस्तुएँ जैसे कि हमारे मूल्य हो गए हमारे आदत हो गए हमारे मानदंड हो गए इसके बारे में उन्होंने बात की थी कौन बात करते हैं तो आगमन जी बताते हैं कि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है उसकी परिवर्तन की जो गति है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में थोड़ी धीरे होती है हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी पिछड़ी हुई होती है हम अपने मूल्यों को हम अपने सिद्धांतों को तुरंत ही चेंज नहीं कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 130 पूछा जा रहा है कि किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाधिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है आपके ऑप्शन है एस सी दुबे आर के मर्टन ए आर देसाई या डब्ल्यू एच वाइजर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन जी ने उन्होंने किसके बारे में बात की थी तो सत्याशित समाधिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के बारे में उन्होंने बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी वन पूछा जा रहा है कि अंतर पीढ़ी गतिशीलता ये शब्द जो है अंतर पीढ़ी गतिशीलता क्या बताती है तो ये जो बत ये शब्द है क्या कि किसके बारे में बात करती है तो पीढ़ियों के बीच जो गतिशीलता है उसके बारे में ये बात करती है ऐसी गतिशीलता जो एक व्यक्ति के अपने ही व्यवसायिक जीवन में अनुभव होती है अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो वर्तमान में किसी व्यवसाय या किसी किसी पद पर वो काम कर रहा है जो कि उसके पुराने व्यवसाय या पद स्थिति से भिन्न है तो उसको क्या हो जाएगी अंतर पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत आ जाएगी हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी टू पूछा जा रहा है कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था तो ये कौन कौन बात करते हैं तो ये हर्बर्ड स्पेंसर जी बात करते हैं वे समाज शास्त्र में प्रकार की अवधारणा का वे प्रयोग करते हैं कब करते हैं तो 19 शताब्दी में की थी उन्होंने अगस्त अगस्त्यम्प और हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बारे में बात की तो वे दोनों ही प्रकारवादी के बारे में बात करते हैं और वे बताते हैं कि मानव समाज का जैविकीय सवयव की कार्य प्रणाली में जो कार्य होता है वो उसकी सदस्यता के अनुसार काम होता है उसके देख में काम किया जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी थ्री पूछा जा रहा है कि परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन जो है वो संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्वात्मक विकास द्वंद्वात्मक विकास उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कि वाद प्रतिवाद या फिर संवाद क्या होते हैं वो इंगित करते हैं इसके अनुसार सृष्टि का विकास तथा उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है हमारा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी फोर पूछा जा रहा है कि निर्जाति पद्धति जो है ये विषय वस्तु क्या है तो निर्जाति पद्धति जो ये विषय वस्तु है ये किसके बारे में बात करती है तो यह अंत क्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंत संप्रेषित होते हैं उनके बारे में यह बात करती है और निर्जाति पद्धति शास्त्र की बात कौन करते हैं तो हेरॉल्ड गर्णफिंकल जी अपनी पुस्तक स्टडीज इन मेथोडोलॉजी जिसकी रचना उन्होंने 1967 सिक्सटी में की थी इसमें उन्होंने निर्जाति पद्धति शास्त्र के बारे में बात की थी और वे बताते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा का हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने का हमारा कारण क्या है अर्थ क्या है इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे ही निर्जाति पद्धति शास्त्र कहा जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यकृत अन्य की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है आपको बताया इंग्लिश में देखिएगा आप लोग जनरलाइज्ड अदर ठीक है ये किसके ये बात कौन करते हैं तो ये बात किन के द्वारा की गई है तो जेज मिर्ट जी के द्वारा जॉर्ज मिर्ज जी के द्वारा इसके बारे में बात की गई है सामान्यकृत अन्य से तात्पर्य संपूर्ण समुदाय की व्यक्ति के प्रति जो बनाए गए एक संगठित मनोवृत्ति है उसके बारे में यह बात करता है जैसे स्व की अवधारणा तो स्व की अवधारणा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो सामुदायिक जो मूल्य होते हैं जो भाव होते हैं जो अभिव्यक्ति होती है वो इसी के अंतर्गत आएगी तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन सीरीज हेल्पफुल लगा होगा इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद